गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाने के साथ धुरियापार क्षेत्र को औद्योगिक विकास के रूप में विकसित किए जाने संबंधित बैठक मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव सरन, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सहजनवा अनुज मलिक, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने गीडा के दायरा को बढ़ाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि किसानों को मुआवजा की धनराशि का समय से भुगतान किया जाए जिससे गीडा क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया जा सके। उनचालीस एकड़ खरीद कर लिया, 10 एकड़ ऐसे हैं जहाँ पर किसान का आपस विवाद होने के कारण अभी नहीं हो पा रहा है। अब बाकी 12 से 13 एकड़ जो झुंगिया गांव था उसको शुरुआत में विरोध थे, लेकिन अब उसके किसान भी आ रहे हैं। उसके बाद अभी आते हैं एग्रीमेंट करने के बाद हम लोग पहले जो प्रिलिमिनरी तैयार करा लेते हैं। हाँ, एक प्रिलिमिनरी तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या करेंगे। वही आप गांव के कुछ लोग सुबह में विरोध कर रहे थे, नहीं कराए नहीं है। अभी हम कंडेंसर की बात करते हैं, इसमें क्या विलम्ब है? इसमें शुरुआत में सर झुंगिया एक गाँव है, झुंगिया गाँव वाले लोग कॉल का मतलब तो नहीं कह रहे थे, नहीं देंगे अभी तो नहीं है तो, लेकिन अब सर कुछ लोगों ने संपर्क करना शुरू किया है, तो ये भी प्रक्रिया वाले कालेश्वर कोई तो नहीं है सर। अभी हम लोग जो और भी एरिया बचा हुआ था कालेश्वर का और माही का, उसका भी धन निर्धारण हमारे तरफ कर रहे हैं। आज तो ये 17 एकड़ कब तक हो जाने की संभावना? 17 एकड़ में सर जैसे ये आगे भी चलता रहेगा सर, उसको मतलब 66 एकड़ के बाद ये लगभग नहीं, हमें एक रफली डेडलाइन तय करनी पड़ेगी संजीव।